एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो मैं आ गई हूँ एक नई हेयर स्टाइल के साथ में। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट्स किया था, भर भर के किया था कि फिर से अपलोड करो हेयर स्टाइल की कटिंग, नहीं कटिंग करना, हेयर स्टाइल की कटिंग। तो आज मैं इनके ऊपर करने वाली हूँ हेयर कटिंग। इनका हुली आप देख सकते हो कैसा हो रखा है, कैसा नहीं हो रखा है। तो मैं आज इनको अच्छा सा एक शेप और न्यू लुक देने वाली हूँ। तो आपको बिफोर और आफ्टर दिखाऊंगी। तो आज मैं करूँगी इनके ऊपर हेयर कटिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं हेयर कटिंग करना। उसके लिए मैंने ले लिया है कॉम, सीजर, और मेरे पास एप्रोन नहीं है तो मैं लगाऊंगी यहाँ पे टाउल, ठीक है? और फिर उसके बाद में स्टार्ट करते हो। तो लेट्स गो। तो यहाँ पे मैं टाउल ले लिया है और ये टाउल अच्छे से हम लगा देंगे ताकि कपड़े खराब ना हो। ये देख सकते हो, पहले जैसे मैं पहले कट करती थी वैसे सेम हम पीछे से कट करेंगे, स्टार्टिंग पीछे। तो यहाँ पे मैंने कॉम कर लिया है और यहाँ देख सकते हो, तो पीछे से हम किस तरह से करेंगे। ये सीजर का पकड़ने का स्टाइल है और यहाँ हम ऐसे करेंगे, स्ट्रेट लुक करेंगे फर्स्ट और यहाँ से ऐसा कट कर देंगे, ठीक है? ये फिनिशिंग हम बाद में दे देंगे जो भी है, उसके बाद में ये कान से शेप देंगे। यहाँ देख सकते हो आप लोग, थोड़ा कान के नीचे से संभाल के लेना है, अगर कान कट हो गया तो क्लाइंट हमें मार देगा जान से, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देके और कट करना है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे घर में कटिंग मैं ही करती हूँ और कोई नहीं करता है, बाहर नहीं जाने देती मैं मेरे घर जो भी हैं उनको। देख सकते हो ये कटिंग पीछे से मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये जैसे छोटे छोटे बाल है ना, वो लास्ट में हम फिनिशिंग दे देंगे। अब ये कान की भी हम कटिंग कर देते हैं सेम उसी की तरह। तो थोड़ा सा कान का ध्यान रखना है आप लोगों को, कान मत कट कर देना हेयर की जगह। आप घर में प्रैक्टिस कीजिए फिर आपको अच्छा से हेयर कटिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर घर में ही हेयर कटिंग आप लोगों को आ गया तो बाहर जाने की वैसे ही जरूरत नहीं है, सही है ना? तो घर में पैसे भी बचा सकते हैं अपने जो बाहर दे के आते हैं। और मुझे फेशियल्स, मैनीक्योर, पेडीक्योर सब कुछ आता है, ब्यूटी के रिलेटिव भी। आप लोगों को कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा। आईब्रोस, हेयर कटिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर ट्रीटमेंट्स, वो सब कुछ आता है। आप लोगों को जानकारी चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा। इतना टाइम नहीं लगता है हेयर कटिंग करने में, बस चेक करते रहिए कि कितना शॉर्ट करना आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग आप हेयर कटिंग कर सकते हैं। तो आज संडे भी है इसीलिए मैं संडे को ही हेयर कटिंग करती हूँ, क्योंकि संडे फ्री टाइम भी रहता है इसीलिए अच्छा है। यहाँ पीछे से हेयर कटिंग हो गया है, देख सकते हो आप।
अब मुझे करना है फ्रंट कट, दिखाती हूँ आपको, देख सकते हो। तो हम पहले कॉम करेंगे, लेंथ देखेंगे कितना लेंथ रखना है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे हेयर कटिंग। तो मैं जस्ट इतने ही हेयर कटिंग करने वाली हूँ, ये देख सकते हो। उसके बाद में हम ये जो कान के नीचे थोड़ा सा हेयर रह गया है क्या हुआ, पानी चाहिए क्या? बोलो। तो यहाँ से एक गाइडलाइन ले लेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे कटिंग, ठीक है। ऐसा लेने से ना सिंपल से आपको हेयर आ जाएगा कटिंग करना। तो दोनों साइड में बराबर डैंड्रफ हो रहा है, हेयर कटिंग ये गाइडलाइन ले लेना है, ठीक है। तो ये जो गाइडलाइन है आपकी हेल्प करोगी, ऊपर करो ना कटिंग करने के लिए। तो जो ये है फर्स्ट, इसको कटिंग करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, तो ये साइड की भी बातों बातों में हेयर कटिंग हो गई है। अब वो साइड की करना बाकी है। यहाँ देख सकते हो मैं यहाँ से भी सेम गाइडलाइन ले रही हूँ, और जब हेयर कटिंग करते हो तो आप फर्स्ट हेयर वॉश कर लेना है, वरना जो डस्ट है उससे अच्छा हेयर कटिंग नहीं होगा हमारे हेड में। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे भी ये साइड में भी हो गई है। अब फ्रंट करना बाकी है, जो ये गाइडलाइन लिए थे ना ये करना बाकी है। चलो फ्रंट से मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, ओके तेरी
ठीक है, एक बार तो यहाँ देख सकते हो फाइनल लुक मैंने कटिंग कर दिया है। ये पीछे के साइड देख सकते हो, डाउन करो तो पीछे के साइड है, यहाँ देख सकते हो ये साइड से, इधर देखो काम पूरा लुक चेंज हो गया है, देख सकते हो। कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप भी अपने घर पे कर सकते हो अच्छे से हेयर कटिंग। ये देखो साइड से, ये देखो साइड है, ये देख लीजिए, ये है, ये साइड है, इनको ये लगी हुई है, आप मत बोल देना कि तुमने बुचका भर दिया करके, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरी कटिंग हो गई है, आप लोगों को कटिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, और ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहेंगे। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से हेयर कटिंग सीख सके घर बैठे ही, बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इजी से सिखाना मेरा काम है और मुझे सपोर्ट करना आप लोगों का काम है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।